हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आज हम लोग इस वीडियो में पावर इंडिसेस एंड सर्ट्स के इस तरह के सारे प्रश्न जो है देखने वाले हैं। तो इस तरह के प्रश्न के आपके जितने भी टाइप बनते हैं वो सारे प्रश्न जो है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते आज के पहले प्रश्न की ओर। तो देखेंगे पहला क्वेश्चन। इसमें जो है आपको एक इक्वेशन दिया गया है, उसमें पूछा गया कि आपका वैल्यू जो है क्या होगा, ये जो है इसका वैल्यू आपका क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न में जो है जब भी आपको क्या दिया गया, एक अंक दिया गया जैसे कि 12 दिया गया, उसे क्या करें एक फैक्टर के रूप में तोड़ ले। जैसे कि इसे जो है 4 तिया 12 लिखा जा सकता है। किस रूप में 4 तिया 12 लिखा जा सकता है? तो जब यहाँ पे क्या रहे प्लस का साइन रहे, जब यहाँ पे क्या रहे आपका प्लस का साइन रहे, तो यहाँ पे हमेशा जो है क्या बड़ी संख्या का मान जो होता है, जो बड़ी संख्या होती है वही जो है इस पूरे इक्वेशन का क्या हो जाता है आपका वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ पे बड़ा मान आपका क्या है 4 है, तो इसका आंसर जो है इस पूरे इक्वेशन का आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर यहां पे प्लस के जगह माइनस का साइन रहता, प्लस के जगह यहां पे क्या रहता माइनस का साइन रहता, तो माइनस के साइन रहने पर आपका क्या छोटी संख्या को लिया जाता। तो लेकिन यहां पे क्या है प्लस का साइन है, तो हमेशा क्या लेना है प्लस के साइन में बड़ी संख्या का जो फैक्टर तोड़ने पर आपका बड़ी संख्या निकले उसे जो है क्या लेना है मान, यानी कि आपका वैल्यू बड़ा संख्या का लिया जाता है प्लस के समय। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ भी देखेंगे ये भी जो है पिछले प्रश्न की तरह है, तो इसे भी जो है क्या करेंगे एक फैक्टर के रूप में तोड़ देंगे। तो इसे जो है क्या लिखा जा सकता है 3 × 2 यानी कि 3 × 2 = 6 इसे तोड़ सकते हैं। तो अभी बताया गया आपको कि प्लस जब रहे तो बड़ी संख्या को लिया जाता है, लेकिन जब माइनस दिया हुआ रहे तो उसका वैल्यू किसे लिया जाता है छोटी संख्या को लिया जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर जो है ये पूरे इक्वेशन का आपका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे इस प्रश्न में आपको देखने को मिल रहा है कि इसे जो है 13 को तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये क्या है आपका एक प्राइम नंबर है। तो इसे जो है निकालने के लिए आपका क्या होता है एक फॉर्मूला होता। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे फार्मूला जान लेंगे कि इसका फार्मूला क्या होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्या होता है 4a√4a+1, फिर रूट के बाहर +1 और बाई क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये जो आपका वैल्यू जो रहता है जो आपका दिया हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे 13 दिया हुआ तो ये बराबर यहाँ पे क्या हो गया 13 हो गया। तो ए की जगह यहाँ पे क्या करेंगे 13 को यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो 13 यहाँ पर जब बैठाएंगे तो 13 × 4 क्या हो जाएगा 52, 52 है एक आपका कितना हो गया 53 हो गया, यानी कि √53 + 1/2 ये आपका क्या हो गया वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे जो है आपको हमेशा ये फॉर्मूला जो है आपको क्या रखना है याद रखना है, ये फॉर्मूला जो आपको अवश्य याद रखना है, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो इस मैथ को आप बना नहीं सकते। तो फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा हमेशा प्लस रहेगा। अगर यहाँ पे माइनस का साइन रहता तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या हो जाता सिर्फ माइनस हो जाता, क्या हो जाता प्लस के जगह पर माइनस हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे देखेंगे 7 को भी जो है क्या हो सकते करते तोड़ा नहीं जा सकता है। तो इसका भी जो है क्या होता है एक फार्मूला होता है, जैसे कि पिछला फार्मूला में बताया गया है कि क्या होता है आपका √4a+1 होता है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाता है -1/2 हो जाता है। पिछले मैथ में आपको बताया गया था कि यहाँ पे आपका क्या होता है प्लस होता है, तो यहाँ पे जब प्लस रहे तो आपका क्या हो जाता है यहाँ पे प्लस हो जाएगा, लेकिन जब आपका यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जो आपको क्या रखना है याद रखना, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो यहाँ पे फिर ए का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या करेंगे 7 यहाँ पे पुट करके देखेंगे। तो यहाँ पे 7 जब पुट करेंगे तो आपका कितना आता है 7 × 4 = 28 = 29 आता है। माइनस का साइन है तो क्या करेंगे माइनस के यहाँ पे साइन दे देंगे, और बाई आपका क्या हो गया 2 हो गया, यानी कि इसी इक्वेशन का आपका वैल्यू क्या निकल गया √29 − 1/2 ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया इसका। तो ये भी फॉर्मूला जो आपको क्या रखना है याद रखना है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर भी देखेंगे इसे जो है तोड़ा नहीं जा सकता है, और फिर आगे भी देखेंगे यहाँ पर जो है पिछले जितनी भी जो है क्वेश्चन बताए गए वहाँ पर जो है या तो प्लस सभी जगह हो रहा था या फिर सभी जगह माइनस हो रहा था, लेकिन यहाँ पर देखेंगे एक जगह प्लस है फिर क्या है माइनस है, फिर क्या है प्लस है फिर क्या है माइनस है। तो इसे निकालने के लिए एक जो आपका क्या होता है एक अलग फार्मूला होता है, क्या होता है एक अलग फार्मूला होता है। तो इसका भी जो है आप क्या करेंगे फार्मूला हम लोग जान लेंगे। तो इसका फार्मूला आपका होता है 4a - क्या होता है 3 यहाँ पर हो जाता है। और जब आपका शुरुआत में क्या
रहे, प्लस रहे, शुरुआत में आपका क्या रहे, प्लस रहे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका प्लस का साइन हो जाता है, प्लस वन कर देंगे और बाई क्या कर देंगे, टू से डिवाइड कर देंगे। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, अगर आप फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे तो इस मैथ को आप बना नहीं सकते हैं। तो इसे जो है क्या करेंगे, अब ए का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या रख के देखेंगे, यहाँ पर क्या रख देंगे आपका 19 रख दिया जाएगा, तो 19 दुनी 38 दुनी 76 हो जाता है, 76 में से 3 जाएगा तो आपका कितना बचता है, 73 बच जाता है, यानी कि रूट 73 प्लस का साइन है तो प्लस लिख देंगे, प्लस 1 बाई आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि इस इक्वेशन का आपका आंसर कितना आ गया, रूट 73 प्लस 1 बाई 2 जो है इसका आंसर आता है। तो ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे देखेंगे ये भी जो है पिछले मैथ की ही तरह है, यहाँ पे जो है क्या दिया गया था, यहाँ पे जो है प्लस माइनस था, इस मैथ में आपका क्या हो गया, माइनस प्लस हो गया। तो यहाँ पर जो, यहाँ पे जो आपको प्लस बताया गया था इसके जगह आप क्या कर देना है, सिर्फ माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, सिर्फ माइनस यहाँ पे आपको कर देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपको फॉर्मूला बता दिया जाता है कि रूट 4a माइनस 3, यहाँ पे जो है माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस का साइन सिर्फ दे देंगे। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो प्लस का साइन हो जाता, जैसे कि यहाँ इस मैथ में देखा गया कि यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन ले लिया गया था, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन ले लिया गया, और बाई क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला आपका क्या हो गया, ये हो गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 17 को जो है क्या करेंगे, यहाँ पर ए का वैल्यू जो है 17 रख के पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका कितना आता है, 17 चौक 68 में से आपका 3 जाता है तो कितना हो जाता है, 65, यानी कि रूट 65 माइनस 1 बाई 2। इस इक्वेशन का वैल्यू जो है आपका कितना आ गया, रूट 65 माइनस 1 बाई 2, ये आपका क्या हो गया, इस इक्वेशन का आंसर हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो ये भी जो है आपका एक अलग टाइप है इस मैथ का, तो देखेंगे इसे जो है किस तरीके से हल किया जाता है। तो सबसे पहले इसका जो है एक फॉर्मूला होता है, या फिर इसे डायरेक्ट तरीके से बना सकते हैं। तो पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। तो फॉर्मूला इसका होता है कि ए पे पावर 1 माइनस हाफ पे पावर जो है क्या हो जाता है, एन हो जाता है। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। एन आपका क्या हो जाता है, एन जो यहाँ पे होता है नंबर ऑफ टर्म जो है जितने बार रूट आया है, कितने बार रूट आया, तो 1, 2, 3, 4 जैसे यहाँ पे कितने बार आया, 4 बार। तो ये आपका क्या हो गया, एन हो गया। एन जो है नंबर ऑफ रूट जो आता है यहाँ पे आपका एन हो जाता है, क्या हो जाता है आपका, नंबर ऑफ रूट, कितना, नंबर ऑफ रूट हो गया। और ए जो है जो आपका संख्या दिया हुआ रहता है, तो ए आपका यहाँ पे 7 हो गया इस तरीके से। तो पहले हम लोग फॉर्मूला पे रख के देख लेते, तो आपका यहाँ पे कितना ए है, 7 है। यहाँ पे 1 माइनस हाफ पे पावर आपका कितना आ जाएगा, तो 1, 2, 3, 4 चार बार रूट है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 लिख देंगे। फिर जो आगे करके देखेंगे तो 7 पे पावर जो आपका क्या हो जाता है, 1 माइनस 2 पे पावर 4 करेंगे तो 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 हो जाता है, यानी कि 16 माइनस 1 आपका कितना आ जाएगा, 7 पे पावर 15/16 आ जाएगा। अगर आप इसे डायरेक्ट तरीके से करना चाहते हैं तो आप देखिए कुछ नहीं कीजिए, 7 पे पावर जितना रूट दिया हुआ रहे, जितना रूट दिया हुआ रहे उसका क्या कर दे, उसका जो है, जैसे देखिए यहाँ पे कितने बार रूट दिया गया, तो 4 बार रूट दिया गया, तो 4 बार यहाँ पे क्या करें, जैसे 2 दुनी 4 दुनी 8 दुनी 16 यहाँ पे लिख दे, और 1 कम करके क्या लिख दे, ऊपर की ओर लिख दे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 5 बार रूट आ जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 2 पे पावर 5 यानी कि 16 दुनी 32 हो जाता, और ऊपर जो है क्या लिख देते, 31/32 लिख देते 7 पे पावर। अगर यहाँ पे 6 आ जाता तो 7 पे पावर नीचे क्या लिख देते, 64 लिख देते, और 1 कम करके 63 लिख देते। तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने बार रूट रहे उतना बार जो है 2 पे पावर बैठा देना और नीचे की ओर उसे लिख देना, और 1 कम करके जो है क्या कर देना, ऊपर की ओर उसे लिख देना है। तो इस तरीके से जो आप इस मैथ को आसानी से हल कर सकते हैं, या फिर फॉर्मूला भी आप याद ही से रख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं, इसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।